देखिए, मैंने तो बार बार कहा कि भाई देखो, अब मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं, मुख्यमंत्री कहा था कि नहीं कहा था बताओ? हमने कहा कि भाई शायद मुख्यमंत्री को पता नहीं है इस देश के बारे में, क्योंकि मुख्यमंत्री एक छोटी सी पार्टी के लीडर हैं, एक छोटा सा हिस्सा में रहते हैं। भाई पूरे देश के अंदर में 600-700 के करीब जातियां हैं जो अनुसूचित जनजाति के सूची में सूचीबद्ध है, और उनकी सबकी अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, धार्मिक मान्यताएं हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति, अलग अलग पूजा पद्धति, अलग अलग देवी देवता को मानते हैं। तो एक आदमी ऐसे कैसे दावा कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। और आज भी अगर आप देखें तो जैसे जम्मू कश्मीर में तो गुजर बकरवाल भी जो मुस्लिम क्या बोलते हैं मत को मानते हैं, वो भी एसटी की सूची में है। आपके हिमाचल प्रदेश के क्या बोलते हैं कि लाहौल स्पीति तरफ वहाँ क्षत्रिय लोग, वो भी एसटी के सूची में है। और झारखंड में भी 32 ऐसी जातियां हैं। और देश की जो बड़ी आबादी है ट्राइबल में, अपने आप को वो हिंदू ही लिखते हैं। तो ये जबरदस्ती कोई कहे तो इसका क्या इलाज है? तो इसलिए आप हम तो कहेंगे कि भाई उनको पूरे देश का अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो सरकार को एक टीम गठित करनी चाहिए। और झारखंड में भी देखेंगे जो बड़ी आबादी है, मुंडा है, उरांव है, संथाल है, वो ईसाई बन गए हैं, तो उसके बारे में उनको क्या कहना है हेमंत सोरेन को, वो बताना चाहिए उनको। thefollowup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in